अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशीन। मैं आज आपको थैलेसीमिया के बारे में कुछ अवेयरनेस दूंगी। थैलेसीमिया होता क्या है? असल में थैलेसीमिया जो हमारे जो जिस्म में ब्लड है उसमें RBCs होते हैं और होमोग्लोबिन जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को। ये सलाहियत ख़त्म हो जाती है जिनको थैलेसीमिया होता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें खून बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है वो थैलेसीमिया पेशेंट कहलाते हैं। थैलेसीमिया की वैसे तो तीन टाइप्स होती हैं। पहली जो होती है मेजर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया में पेशेंट जो है पेरेंट से कैरी करता है डिजीज़ ना, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें जो है ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है 2 to 4 weeks के अंदर, और इसमें जो है सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे जो है ये डायग्नोसिस बचपन में ही हो जाती है, समटाइम्स बहुत अर्ली एज में हो जाती है। लेकिन इसकी ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं मेजर थैलेसीमिया के वो ना खेलने के कैपेबल होते हैं, ना ही वो एक्टिविटी करते हैं, ना पढ़ सकते हैं। और जो सेकंड टाइप होती है इंटरमीडिएट थैलेसीमिया, इसमें ऐसे जितने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, बस होमोग्लोबिन जो होता है वो 7 से कम होता है। एक नॉर्मल जो होमोग्लोबिन होता है फीमेल्स में 12 to 15 होता है और मेल्स में होता है 13 to 17। और जब 7 से ब्लो हो जाए तो वो इंटरमीडिएट थैलेसीमिया कहलाता है। इसमें जो है वैसे तो ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फॉलो करते रहते हैं, HB लेवल कराया जाता है, इतने ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं होते और ये कंट्रोल हो जाती है। और लेकिन जो थर्ड थैलेसीमिया होता है माइनर थैलेसीमिया, इसमें भी सिम्टम्स कम होते हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पेरेंट्स को माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चों को जो है मेजर थैलेसीमिया होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं लिथार्जिक होते हैं, पेल फेस होता है और होमोग्लोबिन धैर्य वजह कम होता है, और यूरिन जो है डार्क येलो आता है क्योंकि ब्लोरबिन RBCs टूट रहे होते हैं, ब्लोरबिन निकल रहा होता है। और इसके पेशेंट की जो किडनी जो है बढ़ जाती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और हेपेटोमेगैली हो जाती है, जिगर का बढ़ जाना होता है, भूख कम लगती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, और पेशेंट जो होते हैं बच्चे जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। और इसके जो कॉजेज जो हैं, कॉज जो है मेन कॉज इसकी यही है कि दो ऐसे अफराद की शादी जिनमें ये जर्म्स पाया जाता है। तो मैं मेन आपको इस वीडियो और से एक मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि आप लोग ये टेस्ट ज़रूर कराएं शादी से पहले, जी, क्योंकि हमने अगली नस्लों को सेव करना है, क्योंकि इसका यही वाहिद इलाज है, एहतियात है। तो आगे यह है कि हमें चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, दूसरों को अवेयरनेस दें, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें और लड़ सकें। शुक्रिया।